यार 6 दिन हो गए बैंगलोर में आके और अभी थोड़ा थोड़ा फटनी चालू हो गई है क्योंकि घर नहीं ढूंढा है अभी तक। और सुना है घर ढूंढना बहुत मुश्किल है यहाँ पर, तो अभी नंबर इकट्ठे कर लिए हैं, 30-35 नंबर इकट्ठे कर लिए हमने ब्रोकर्स के और अब मिलाना शुरू करेंगे, करते हैं हाउस हंटिंग। ब्रोकर 1 ब्रोकर 2 भाई साहब नाम नहीं सेव कर रखा ब्रोकरों का, नंबर 1, 2, 3, 4 लोगों ने सेव कर रखे हैं। मतलब यार ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था हमने, कि हमें लग रहा था चलो फ़ोन उठाएंगे बोलेंगे कि नहीं मिलेगा, फोन ही नहीं उठा रहे हैं। तो फाइनली फराज भैया को एक ब्रोकर का नंबर मिल चुका है और ब्रोकर ने फ़ोन भी उठा लिया है और फ़ोन उठाने के बाद मीटिंग भी फिक्स हो चुकी है। तो हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे, वो फ्लैट देखने के लिए। यार घर देख के आ चुके हैं हम, घर तो अंदर से ठीक लगा हमें, लेकिन बाहर एक रेलवे ट्रैक है जिसमें फ्रीक्वेंटली ट्रेन आती रहती है, तो हमें वीडियो शूट करने में बहुत डिस्टर्बेंस होगी। दूसरी चीज़ मैंने और थोड़ी महसूस जो करी है वो ये है कि जब आप जाते हो ना तो यार दूसरों को डिस्टर्ब करते हो, तो उनको बढ़िया फीलिंग नहीं आती होगी, अच्छे से नहीं देखते वो हमें। हम वैसे इसलिए अंदर शूट भी नहीं करते हैं, बिना शूट की वापसी आ गए। तो अभी एक और पता चला हमें, एक 2 BHK खाली है, वो भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। है मुश्किल काम है यार, मतलब बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग काम है, मुश्किल काम है घर देखना। तो भाई एक फ्लैट हमें पसंद आ चुका है, ठीक है, ज़्यादा घूमना नहीं पड़ा हमें, 2-3 देखे हमने बस, और तीसरा फ्लैट बढ़िया था, थोड़ी आवाज़ की दिक्कत है, तो आवाज़ की थोड़ी सी दिक्कत है उस घर में, हम सॉर्ट आउट कर लेंगे कुछ लगा के। वैसे ट्रेन जब निकलती है ना तो उसकी हॉर्न की आवाज़ आती है वहाँ पर। अभी हमें थोड़ी सी नेगोशिएशन करनी है, नेगोशिएशन में वैसे ही बढ़िया नहीं हूँ, तो ट्राई कर लेते हैं फिर भी, है ना। तो यार ये हमारा लास्ट डे होटल में और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है, अभी पेट कुछ गड़बड़ है, बुखार भी आ रहा है। और घर हमने देख लिया था, एक घर हमें पसंद आ गया था, तो उसी का पेमेंट वगैरह भी हमने ऑलमोस्ट कर दिया है। और घर में रहने वाले हैं मैं और मेरा एक और दोस्त गूगल से ही, तो अभी वहीं जाना है, थोड़ी मेडिसिन वगैरह मंगवाई है, अजय मेडिसिन लेने गया हुआ है, तो मेडिसिन आ जाएंगी खा करके, फिर एग्रीमेंट साइन करने के लिए जाना है और कल से हम अपना शिफ्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। इतना गंदा एक्सपीरियंस भाई साहब, मतलब सीन कुछ ऐसा था कि मैंने और अजय ने एक घर देख लिया था, अब घर हमें ठीक लगा उस टाइम पे और हमने एडवांस भी दे दिया उस टाइम, तो मतलब ठीक ठाक बात करी उन्होंने हमसे, सही तरीके से बात करी। लेकिन आज सुबह से, मतलब मेरी तबीयत भी ख़राब है 2 दिन से, आज सुबह से जो उन्होंने ड्रामे शुरू करे हैं कि ये भी दो, पासपोर्ट भी दो, आधार भी दो, पैन कार्ड भी दो, वोटर आईडी भी दो, उसके बाद सिग्नेचर हल्के से क्यों मैच नहीं कर रहे हैं, सिग्नेचर आपके क्यों नहीं मैच कर रहे हैं, बैंक से सिग्नेचर करवा करके लाओ, वहाँ से सर्टिफिकेट बनवा करके लाओ, अपने पापा से यहाँ पर वो ट्रांसफर करवाओ, क्या कहते हैं उसको, चेक ट्रांसफर करवाओ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? भाई बिल्कुल बढ़िया आदमी नहीं था, बुरा एक्सपीरियंस। तो यार जब आप एक नए शहर में जाते हो आपको कहीं ना कहीं वो लैंग्वेज की परेशानी आती ही है, खासतौर पर जब आप लोग ऑटो में ट्रैवल कर रहे हो या फिर मेरी तरह हाउस हंटिंग कर रहे हो, और इस केस में अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब मैंने भी सोचा हुआ है कि मैं कन्नड़ सीखूंगा, लेकिन जब तक मेरा काम इंग्लिश से चल रहा है, इंग्लिश आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड इसीलिए इंटरव्यूज़ में भी इंग्लिश पूछी जाती है, क्योंकि उनको पता है कि आपको आगे चल करके ड्यूरिंग योर वर्क, आपके काम के साथ साथ बाहर की टीम्स के साथ भी इंटरेक्शन करना पड़ेगा, कोई जापान में है या फिर कोई USA में है, आपको बातचीत करनी पड़ेगी, तो इसीलिए स्पोकन इंग्लिश आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंग्लिश सीखने के लिए एक बहुत ही फेमस फ्री एप्लीकेशन है डुओलिंगो नाम की, जो कि आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है। तो यहाँ पर आपके 3 तरीके की एक्टिविटीज़ होती है, एक एक्टिविटीज़ जिससे आपकी स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस होगी, दूसरी एक्टिविटीज़ जिससे आपकी रीडिंग स्किल्स की प्रैक्टिस होगी, और तीसरी एक्टिविटीज़ जिससे आप लोगों की लिसनिंग स्किल्स की प्रैक्टिस होगी। ये तीनों ही एस्पेक्ट्स बहुत ही ज़रूरी हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो यू कैन डाउनलोड डुओलिंगो ऐप, द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, ये फ्री है और आप लोग इससे बहुत ही आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि अब हम करेंगे पैरेलल प्रोसेसिंग, आपने सुना होगा पैरेलल प्रोसेसिंग, तो मैं जाऊंगा जल्दी से फ्लैट देखने के लिए और अजय रूम पूरा क्लीन कर देगा जब तक, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा अभी, तो चलते हैं। तो यार मेरा टास्क है फ्लैट देखना, मुझे क्या करना है, पैकिंग, मुझे पैकिंग करनी है। एक अपार्टमेंट मुझे याद है, मैं अजय के साथ ही गया था वहाँ पर, तो देखना है कि वहाँ पर फ्लैट अभी अवेलेबल है या नहीं है, लिफ्ट आ गई। तो यार सोसाइटी में तो घर नहीं मिला, ब्रोकर का नंबर दिया गया है तो ब्रोकर से मैं बात कर लूँगा। मेरे को लिटरली अभी कोई होप्स दिख नहीं रहे हैं, लेकिन एक तरीका है अपने पास, अपनी लिंक्डइन कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मेहनत से बनाई है,
तो एक पोस्ट डालते हैं लिंक्डइन पे एंड आई होप दैट यू ऑल विल सपोर्ट. सॉरी आप लोग हाउस हंटिंग है, मैं हाउस तो दिखाई नहीं पा रहा हूँ. बैक टू द होटल. तो नहीं मिला यार कोई भी घर अभी. नाउ ऑफिशियली होमलेस. तो यार हम लोग होटल से बाहर निकल चुके हैं, चेकआउट कर लिया है और एक ब्रोकर से बात हुई है. अजय ने एक ब्रोकर से बात करी है तो बढ़िया लग रहे हैं हमें घर और अफोर्डेबल भी हैं. देखते हैं फराज भैया क्या प्लान ऑफ एक्शन है अभी. तो यार दो ठोस रिजल्ट्स मिले हैं. एक जो है वो एक कंपनी के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हैं जेपी मॉर्गन चेस के. दूसरा एक और सोसाइटी है पीछे, रेसिडेंसी है, तो वहाँ पर एक 1 BHK का बताया है मेरे को. ये सब लिंक्डइन के थ्रू आया है. तो ये दोनों ठोस सॉलिड रिजल्ट्स हैं. चल के देखते हैं पहले ये वाला, उसके बाद फिर दूसरा वाला. सोसाइटी के अंदर अभी एंट्री ले ली हमने. तो वैसे तो रेसिडेंस यहाँ पर नहीं रहते हैं, ओनर यहाँ पर नहीं रहते हैं. तो बाहर से लुक्स एंड फील्स ले लेंगे. ट्रेन की आवाज़ हर जगह से आ जाती है. हॉर्न जब बजता है ट्रेन का तो आती आती है आवाज़. ये है वो 206 फ्लैट. ये फ्लैट है. स्टेशन इज ओके. वी कैन नॉट गो इन साइड फ्लैट बिकॉज फ्लैट दिखाने के लिए भी कोई है नहीं यहाँ पर अवेलेबल. अभी हम लोग जा रहे हैं वाइट फील्ड, मैं और अजय. हमें रंजन सर ने बुलाया है अपने घर दिखाने के लिए. 1 BHK अपार्टमेंट है. देखने में फ़ोटो में बड़ा मस्त लग रहा है. अभी जाकर भी देखते हैं कैसे घूमने के लिए. और मैं रास्ता नहीं बता रहा, रैंडम लोगों से पूछते हुए आगे कहाँ पर जाना है. सर फाइनली हम लोग आ चुके हैं. मैंने सुबह सुबह लेट दिन पे एक पोस्ट डाला था जिसकी वजह से हमें एक घर मिल गया. दिस इज द किचन. किचन में भी वो कैटल है, वो भी अवेलेबल है. एंड यहाँ पर इंडक्शन भी अवेलेबल है. ना काम तो यहाँ पर हो गया. एक फ्रिज और मंगवाना है, वो हम मंगवा लेंगे रेंट पे लेके. एंड दिस एरिया यहाँ पर हम लोग बैठ करके वीडियोज़ बना सकते हैं. और सामने जो आप विंडो देख रहे हैं ना, इस विंडो से सुबह सुबह रोशनी भी आ जाती है. और मुझे जगह काफ़ी क्वाइट लगी, काफ़ी पीसफुल जगह है. तो अपनी वीडियोस भी आराम से रिकॉर्ड हो जाएंगी. देन दिस इज़ दी बेडरूम. और ये भी स्पेशियस है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको घुटन टाइप महसूस होगी. साइड में विंडो है ना, यहाँ से भी आप इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं. और यहाँ से भी आपको रोशनी आती है. वाह बढ़िया. अच्छा कैसा लगा घर है ना. हम लोग अपने होटल में हमने जो सामान रखा हुआ है उसको ला करके हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं थोड़ी देर में. एंड 2 महीने के लिए हम लोग यहाँ पर रहेंगे, बाकी फिर उसके बाद देखते हैं. ठीक है चलो प्रॉब्लम सॉल्व्ड. दोबारा भी हम चले गए थे बस में, कैब का कोई ऐसा पता नहीं था. ठीक है हमें पता नहीं है वैसे कहाँ जाएगी कैब वो बस, मतलब इतना पता है भैया ने सुन रहा है क्या तीन फैक्ट्री. मतलब मैंने ये सुना है कि हमारा जो होटल है ना RMC इन्फिनिटी के पास 3 फैक्ट्री के पास है. मैंने सुना है. सुना आपने? सुनी इन्फॉर्मेशन नहीं है. होटल से हम लोग अपने रूम में जा रहे हैं फाइनली रिलीफ के साथ. यार लेकिन चादर नहीं है वहाँ पर कुछ भी. सो जाएंगे ऐसे ही और गया. सिर्फ गद्दे पड़े हुए हैं बेड पे, बट बेड है. हम जाके सो जाएंगे डायरेक्ट वहाँ पर, कल करेंगे शॉपिंग वगैरह जो भी करनी है. तो हम लोग ले आए अपना सारा सामान होटल से और अभी बस कीज़ का वेट कर रहे हैं. और अभी हमारे ओनर कीज़ लेके आते ही होंगे, उसके बाद फिर मस्त रूम पर जाके सोएंगे हम. सो इट वॉज़ अ प्रिटी लॉन्ग डे. बहुत ही थकान भरा दिन था. और हमारे ओनर अभी आए थे यहाँ से मिलने के लिए. और ये देखो एक फ्लावर पॉट लेके आए. ऐसे भी लोग होते हैं. तो यस काफ़ी बढ़िया आए थे वो. अजय तो सो गया. अजय तो भाई थक के लुढ़क चुका है और अब मैं भी सोने जा रहा हूँ. घर तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया था पहले से ही, बस हमें थोड़ा सा यहाँ पर अपना टेबल वगैरह लगाना है और काम करना स्टार्ट करना है. ऑल सेट. थैंक यू. बाय बाय.